APJ Abdul Kalam Memorial Summit and Awards for Innovation and Governance 2018 के इस समारोह के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी आदरणीय ज्ञानेश्वर मुली जी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय दिलीप रथ, श्रीमती अनुराधा मल, आदरणीय पंकज जी और इस पूरे आयोजन का जिन्होंने जो कई दिनों से इसकी योजना बना करके और मध्य प्रदेश में उन्होंने कई बार मेरे से मुलाकात की है, ऐसे आदरणीय सरजरपाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित इस समारोह के अंदर सभी उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर इस बात के लिए सम्मानित किया कि नर्मदा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है। वैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये काम एज ए इंडिविजुअल नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस काम को लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके बारे में कुछ कहूँ उससे पूर्व सृजन जी, एक मेरी जो मेमोरीज हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज यहाँ पर जो लोग हमारे इतने उपस्थित हैं उनको उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब एज ए स्टूडेंट दिल्ली के अंदर उस समय आया था जब स्वदेशी विज्ञान मेला एक यहाँ पर उस समय आयोजन उसका हुआ था, तब एज ए साइंटिस्ट एपीजे छात्रों के साथ इंटरेक्शन के लिए उसमें आए थे, तो मैं उसके प्रबंधन समिति में यहाँ पर उनके मैनेजमेंट पर था। जब मैं वो एक हॉल के अंदर जब बैठे थे तो मुझे किसी ने उनसे परिचय कराया, तो मैंने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम खड़े होकर के मेरे से उन्होंने हाथ मिलाया, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा वैज्ञानिक है और शालीनता कितनी है कि वो खड़े होकर के, और जितने लोग आए जिनसे उनसे इंट्रोडक्शन हो रहा था वो उनसे उस प्रकार से मिल रहे थे। फिर मुझे एक अवसर मिला जब माननीय नानाजी देशमुख, हम सब लोग जानते हैं कि भारत के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने चित्रकूट के अंदर जब उनको बुलाया था, वो दो दिन चित्रकूट के अंदर रुके थे, तो उस समय मैं ये देखता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कल्पना की कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास देश के अंदर, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम उसको कैसे अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करते हैं कि जब वो हॉल के अंदर एंट्री करते हैं, तो मैं वहां पर अमिताभ जी जानते हैं कि उस समय उस व्यवस्था में मैं था, तो एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं सीधे स्टेज पर नहीं आते हैं, वो आते हैं एंट्री करते हैं और सीधे लास्ट का जो व्यक्ति है उससे जाके मिलते हैं, फिर उस कोने में जाके उससे मिलते हैं और फिर आकर के वो स्टेज पर मिलते हैं, कि हॉल के अंदर भी जो लोग उनको सुनने के लिए आए हैं या उनको देखने के लिए आए हैं, यानी उनसे अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है उससे मिलकर के एपीजे आकर के स्टेज को शेयर करते हैं। ये मेरे प्रत्यक्ष उनके साथ जो अनुभव थे जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। नर्मदा के ऊपर मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रहा था, मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी उस समय था, तब छात्रों का एक दल पूरे देश भर के ऐसे 32 छात्र अन्य अन्य राज्यों के विद्यार्थी परिषद ने एक फोरम शुरू किया कि जो विद्यार्थी है वो केवल अपने कैरियर के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए मात्र नहीं है, वो देश के लिए भी उसकी अपनी रोल और भूमिका क्या बन सकती है। इसलिए उस समय विद्यार्थी परिषद ने एक फॉर्म 1985 में शुरू किया था कि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए भी विद्यार्थी की भूमिका क्या बन सकती है, और समाज में इस प्रकार के जो आज पर्यावरण से लेकर के ऐसे कई जो इश्यूज हैं जिनको लेकर के दुनिया जिनको चिंतित होती है, तो भारत का विद्यार्थी भी उसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है। तो एज ए स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट उस समय उस फोरम के माध्यम से हमने एक 32 छात्रों के दल ने नर्मदा अध्ययन यात्रा प्रारंभ की, और वो अमरकंटक से प्रारंभ करके उद्गम स्थल से भरूच तक एक 17 दिन के उस क्षेत्र में हम लोग निकले, और 32 छात्रों ने कुछ नाव से, कुछ पैदल यात्रा की, कुछ वाहन से यात्रा की, और हम जहां रात को रुकने का प्रयास करते थे वहां हम वहां के जो लोकल पीपल्स हैं उनके साथ, जिसको हम कहें कि उनसे इंटरेक्शन कैसे हो, ये प्रयास हमने लगातार उन दिनों में किया, और उस 17 दिन की अध्ययन यात्रा के अंदर हमने जो रिपोर्ट तैयार की, चाहे वो वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट हो या सॉइल सैंपल्स की रिपोर्ट हो, या हमने जो और भी होने वाली जो घटनाएं हैं पूरे नर्मदा के किनारे
उन सारी चीजों को, चाहे वो अतिक्रमण होगा, चाहे वो उत्खनन होगा, ऐसी कई बातें और लोगों के ओपिनियंस क्या है नर्मदा के बारे में, तो साइंटिफिकली इन सारी बातों को उस समय एक छात्र संगठन के उस फोरम के माध्यम से उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद, मैं आपको इस बात को और उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि रिपोर्ट यात्रा हो गई, लेकिन यात्रा होने के बाद उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम लोग जाकर के पिटीशन करने के बाद उस पर जो काम प्रारंभ हुआ कि किसी नदी के संरक्षण के लिए या वहां पर होने वाली आज की जो आवश्यकताएं कि नदी को किन बातों की आज आवश्यकताएं हैं, अवेयरनेस से लेकर के और सरकार किस काम को करे, जब एनजीटी ने इसको संज्ञान लेकर के हमारी पिटीशन पर जब काम करना प्रारंभ किया, तो आज को बताने में मुझे मैंने सृजन जी को इन सारी बातों को उल्लेख किया है कि उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात का जो खासतौर पर हिस्सा है, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा लगभग 84% के करीब नर्मदा मध्य प्रदेश में आती है, बाकी गुजरात के क्षेत्र में आती है, तो वहां पर उसमें फिर जो काम एनजीटी ने प्रारंभ किया, आज उस नर्मदा के ऊपर ऐसा माना जाता है कि नर्मदा अभी उतनी प्रदूषित नदी नहीं है जितनी देश की और नदियां प्रदूषित हैं, तो उसको और अच्छे कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन जल स्तर नर्मदा का लगातार कम हो रहा है, तो इसको लेकर के चाहे जंगल के कटने के कारण से या उत्खनन होने के कारण से जो पानी को संचित करने की क्षमता उन रॉक्स की है जो नर्मदा के दोनों बैलीज के किनारे पर है, तो उन सारी चीजों को लेकर के हमने उस रिपोर्ट के आधार पर काम करना प्रारंभ जब किया, आज वो पिटीशन रनिंग एनजीटी के अंदर है और उस पर लगातार काम चल रहा है। 15 जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सारे लोगों को आज एनजीटी उनको संज्ञान में लेकर के बुलाता है और उस पर कमिटमेंट के आधार पर आगे बढ़ रहा है। एसएफडी को उन्होंने उस पर पार्ट बना करके रखा है, मॉनिटरिंग से लेकर के नर्मदा के ऊपर उन्होंने दो प्रकार की कमेटियां बनाई हैं कि इनकी मॉनिटरिंग जो काम चल रहा है गवर्नमेंट का इनको कौन करेगा, चाहे गंदे नाले मिल रहे हों या और भी प्रदूषित नर्मदा जहां से हो रही है, इन सारे मुद्दों पर एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उस समय उसको मैंने लीड किया था, मैं ही उसका लीड कर रहा था और पिटीशन जो किया था वो मैंने ही अपने नाम से उस समय ये पिटीशन हमने वहां पर किया था। तो ऐसे कई प्रकार के नर्मदा के अंदर होने वाले प्रदूषण को हमने एक मूवमेंट के तौर पर लिया, लेकिन एक लीगली भी उसको हम एनजीटी के द्वारा ले जाने का प्रयास हमने किया है, जो काफी आज उसका इंपैक्ट नर्मदा के उस प्रदूषण को रोकने में बड़े पैमाने पर हुआ है। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि जैसे अजय जी के बारे में कहा अभी, ऐसे ही मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो वास्तव में गांव से निकल करके और नर्मदा के तट से जो व्यक्ति निकला है, उन्होंने आज मध्य प्रदेश का विगत 14 वर्ष से सफलतम नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि नर्मदा नदी का जो जल स्रोत है वो लगातार कम होता चला जा रहा है और वो उल्लेख करते हैं कि जब नर्मदा सेवा यात्रा की कल्पना मेरे मन के अंदर कैसे आई, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने देखा कि पुल का हम उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन नर्मदा में पानी नहीं है, धारा बिल्कुल पतली हुई है, तो नर्मदा अगर कभी ये धारा ब्रेक हो गई, तो नर्मदा अगर खत्म होगी तो आगे चल के 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात का विकास तो नर्मदा के आधार पर, मुझे लगता है कि यहां हमारे गुजरात के नेतृत्व लोग भी बैठे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि नर्मदा के कारण से गुजरात का कितना विकास हुआ है, तो उस धारा को कैसे बचाए रखना, ये एक मध्य प्रदेश के उस लीडरशिप को लगता है, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लगता है, और उन्होंने कहा कि नर्मदा को बचाने के लिए कुछ काम हमको पॉलिटिकली करने के साथ सरकार की भूमिका क्या बने, ये प्रयास उस समय शुरू किए और 11 दिसंबर को ये नर्मदा सेवा यात्रा का उद्घाटन अमरकंटक से प्रारंभ हुआ और उसके अंतर्गत मैं आप यहां पर बताना चाहता हूं कि कल्पना यह की कि संत समाज और सरकार, यानी एक अभिनव प्रयोग हम इस दिशा में करेंगे कि संत इसका नेतृत्व करेंगे, समाज इसको आगे चलाने का प्रयास करेगा, सरकार इसके पीछे रहकर के इसको बैकिंग देगी और हम एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करेंगे। और नर्मदा सेवा यात्रा में आज यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि दुनिया का नदी संरक्षण का सबसे बड़ा अभियान नर्मदा सेवा यात्रा बना, मैं उसका ऑफिशियल एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज था, जो लगातार मैं 11 दिसंबर 2016 से लेकर के 6 महीने तक वो यात्रा पूरी चली और उस यात्रा के माध्यम से हमने नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम आज मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा के नदी संरक्षण के अभियान के अंतर्गत हुआ है। उसका मूल कंटेंट था कि मुख्यमंत्री से लेकर के दुनिया भर के ऐसे बड़े लोग, चाहे वो दलाई लामा होंगे,
चाहे और भी समाज के अंदर काम करने वाले, नदी संरक्षण पर, पानी पर काम करने वाले लोग, या फिर ऐसे लोग जो समाज में और भी कई प्रभावी व्यक्तित्व हैं, वो फिल्म स्टार्स भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, ऐसे कई प्रकार के लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता की और हमने तय किया कि सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से लेकर के हर प्रकार के सेगमेंट इस यात्रा में सम्मिलित हों। यात्रा केवल नदी संरक्षण का अभियान नहीं है, यात्रा नदी के बारे में पूरे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर एक कंसेप्ट हम देना चाहते हैं कि किस प्रकार से नदी को संरक्षण करने के लिए आम जनता की सहभागिता कैसे ली जा सकती है, लोगों को इन्वॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार के नदी संरक्षण का अभियान, एक अभिनव प्रयोग संत समाज सरकार के द्वारा ये मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये यात्रा हमारी जो चली, और इस यात्रा के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रकार के काम, अगर आप आज नर्मदा के किनारे पर कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में, ओंकारेश्वर से लेकर के अमरकंटक से लेकर के कहीं भी आप जाएंगे, तो आपको परिवर्तन दिखेगा कि वास्तव में नर्मदा में कितना स्वच्छता के अभियान से लेकर के पानी की, जब हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तब 55 शहर ऐसे थे जहां पानी पी नहीं सकते थे, पीने योग्य पानी नहीं था। आज आप 31 शहर ऐसे हो गए हैं कि उनके घाट पर आप पीने योग्य पानी ए ग्रेड का वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के माध्यम से और बाकी काम करने के कारण से आज उसमें ग्रेडिंग में परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पर आया है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि आज हम जो देखते हैं कि लोग पॉलिटिकली कभी कहते हैं कि आप ये यात्रा है ये आपकी पॉलिटिकल है, लेकिन सरकार भी समाज के साथ मिलकर के काम कैसे कर सकती है, एक अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से हुआ है, जो सरकारों का काम है। केवल सरकार केवल शासन चलाना नहीं है, सरकार को समाज के लिए क्या भूमिका निभा सकती है वो करने की आवश्यकता है। यानी इसी नर्मदा सेवा यात्रा में चलते भी इसमें कंसेप्ट आया, मैं जब यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि नेहरू युवा केंद्र का जब मैं वाइस चेयरमैन था तब माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जो हमारी मिशन गंगा का जो अभियान है तो उसका एमओयू हमारे साथ हुआ था। तब हमने सोचा था कि वनडे फॉर गंगा एक कॉल हम करेंगे और दुनिया भारत के सारे यूथ को हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसी तर्ज पर हमने जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर कि एक दिन में वृक्षारोपण का अभियान हम कैसे कर सकते हैं, और हमने 1 करोड़ पौधे लगाने की कल्पना की थी, और आज हम 7.5 करोड़ पौधे एक दिन में पूरे तंत्र को लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सेवा यात्रा के उस अभियान में 7.5 करोड़ पौधे पूरे नर्मदा के अंदर लगे। अब उसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि पौधे तो लगते हैं लेकिन बचते नहीं है। आज आपको मैं यह बताने में मुझे हर्ष है कि लगभग 50-60% पौधे आज भी नर्मदा के किनारे पर जिनको लगाया था वो आज जीवित है और सरकार उन पर काम कर रही है। तो इसलिए कुछ बातें मैंने आपको इसलिए उल्लेखित किया है कि नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा अध्ययन यात्रा से लेकर के वृक्षारोपण का एक व्यापक अभियान, और आज भी हम उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो काम हुआ है इसमें पूरे देश भर के अंदर और दुनिया के अंदर नर्मदा सेवा यात्रा एक अभिनव प्रयोग बनकर के खड़ी है, और आप सबने मुझे यहां पर बुलाया और सृजन पाल जी ने और एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन ने, एक अभिनव प्रयोग जो आपने यहां पर किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।